वेलकम टू सेवन न्यूज़ 24। आज हम जुड़े हैं गोलेखाना बारूद गली से। यहाँ पर जो पानी की समस्या है 24/7 लोगों को काफ़ी तकलीफात का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं लोगों से। मैं इंजीनियर शाह फहद खदरी, बारूद गली एरिया में। यहाँ पे 6 से 7 घर ऐसे है जो 24/7 की जब से स्कीम आई है तब से लेके आज तक लोगों के घरों में पानी नहीं है। आप लोगों के घरों में पानी आ रहा है 24/7 का? नहीं आ रहा। तो इसके लिए लोग कई बार कंप्लेन दे चुके थे लेकिन कुछ भी रिस्पांस नहीं आया था। तो एक महीना पहले यहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, जब उन्होंने मेरे से बात की थी तो हम लोग बूढ़ा ऑफिस जाकर ये कंप्लेन दिए थे। 18 नवंबर की ये कंप्लेन है, आज 18 दिसंबर है, एक महीना हो गया। इसकी कंप्लेन नंबर देख सकते हैं आप, 2512। उसके बाद जब कंप्लेन देने के बाद AW साहब से बात हुई, उसके बाद एक साइट इंजीनियर 2 लेबर लेके काम स्टार्ट हुआ। तो 2 दिन तो यहाँ पे सिर्फ पाइप ढूंढने में चले गए। यहाँ देख सकते हैं आप ये जो खोदे हैं। तो पहले जो काम हुआ था वो ना मार्किंग करे, यहाँ पे दीवार पे अगर मार्क कर देते कि पाइप कहाँ है तो आसानी से मिल जाता था, लेकिन वो मार्किंग भी नहीं हुई। तो 2 दिन सिर्फ खाली पाइप ढूंढने में चले गए। उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये जो मेन पाइप से इनके घर को जो पाइप जा रहा है उसके बीच में कनेक्शन नहीं है, तो पूरा पानी जो भी आ रहा है वो ज़मीन में चले आ रहा है। तो कई जगहों पे यही हालत है। तो बगैर कनेक्शन करे के यहाँ पे रोड भी डाल दिया, उसके बाद रोड फोड़ना पड़ा। इसके बाद जब अगर काम भी होगा तो पैचअप वर्क भी नहीं करते डिपार्टमेंट वाले, यहाँ के लोग ही जमा करके पैसे पैचअप भी कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। दूसरा मसला क्या है कि प्रेशर नहीं आ रहा। मनियार तालीम में जो टैंक है उसको जो कनेक्शंस है वो बियॉन्ड कैपेसिटी हो गए। तो आतराफ के जो घर है सिर्फ वही घरों को पानी आ रहा है। प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा। तो जब हम डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि पंप खराब हो गई। तो आखिर पंप कब तक खराब होंगी? क्या वो रिपेयर नहीं होती? क्या वो रिप्लेस नहीं होती? ऑपरेशन होने के बाद अब मेंटेनेंस चल रहा है, इतना पैसा आने के बाद भी लोगों के घरों में पानी नहीं है। ये बारूद गली है, यहाँ पे कई लोग पानी के लिए बहुत पीने के लिए मुश्किलात हो रही है और यहाँ पे हमारे को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। अब बारिश खत्म होने के बाद अब तो भी पानी मिलता, क्या बोलते अभी भी पानी नहीं है। एरिया ये बारूद गली गोलेखाने के बारूद गली का एरिया है, अब वार्ड नंबर 7 का है। अब हम कर लेंगे बोले तो वो भी हमारे को अलाउ नहीं कर रहे। अब हमारे को कुछ भी सहूलत नहीं है यहाँ पे। कंप्लेंट भी दिए सो है लेकिन अब तक वर्क हुआ ना कुछ हुआ। मैं कनेक्शन हमारे पर्सनल उससे कर लिया है, 1.5 साल पहले कनेक्शन कराया, अभी तक पानी नहीं आया उसको कनेक्शन दिया। ऑलरेडी ये स्कीम पास हो चुकी है, इसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो कनेक्शन दिया गया है वाटर सप्लाई, वहाँ गली तक ही आ रहा है पानी, वहाँ से ये गली तक सप्लाई नहीं है। टोटल कितने घरों को नहीं मिला? 5-6 घर को नहीं है। और जो छोटे सब पाइप से जो घर को जाता है पाइप, वो कनेक्शन है पर वो जो सब लाइन मेन लाइन जो अंदर की है उसमें पानी नहीं आ रहा। कितने दिनों से? अभी तक पानी नहीं आया, कनेक्शन ही नहीं हुआ। और खोद कर देखे तो जो घर को जो पाइप गैस है बास फूटे हुए है, बास में क्या है मालूम कट है, उसमें क्या है मिट्टी जाकर पूरा बंद हो गया है वो। तो ये कब तक रहेंगे ऐसा ही? मैं 7 न्यूज़ 24 के थ्रू ये अपील करता हूँ पूरे एरिया की तरफ से, DC साहब से, कमिश्नर साहब से, कि जो भी हमारे कंप्लेंट्स है वो पहले अटेंड करिए। यहाँ पे कई लोग हैं जो पीने का पानी खरीद के पी रहे हैं। तो जल्द से जल्द ये कंप्लेन भी रिजोल्व करिए और जो प्रेशर का मसला है वो भी सॉर्ट आउट करके दीजिए। क्वालिटी की दुनिया में एक मशहूर नाम जिसे मेट्रो सुपरमार्केट के नाम से जाना जाता है, जहाँ कम दामों में फ्रेश और लॉयल प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही साथ हर खरीदी पर पॉइंट सिस्टम रखा गया है जिसमें पॉइंट्स के मुताबिक ग्राहकों को गिफ्ट दिए जाते हैं। और हमारे यहाँ फेस्टिवल्स पर सुनहरे ऑफर्स और हर मंडे स्पेशल ऑफर्स रहते हैं। फ्री होम डिलीवरी भी की जाती है। इन फायदों को अपने नाम करने के लिए तशरीफ लाएं मेट्रो सुपरमार्केट इनसाइड नई कमान सिद्धेश्वर तालीम बीदर।